अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं ये व्लॉग सुबह में किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। तो अब मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बस अब बहुत बारिश हो गई। अब रुक जाए बारिश एक दिन के लिए, तो रुक जाए बारिश। और कुछ नहीं, चलिए चाय बनाते हैं और चाय। वापस मैं बैठ चुकी हूँ, बोर हो रहा है। आज का डे बोरिंग डे है। सुबह से उठी हूँ तो यहाँ काम कर रही हूँ, वहाँ काम कर रही हूँ, घर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब सोच रही हूँ कि बारिश में खाना क्या बनाऊँ, क्या खाएंगे। मुझे पकाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, पर हाँ सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ, वो करने में एक दो घंटा ऐसे ही निकल जाता है। उसके बजाय दूसरे काम हो जाते हैं, फिर याद आता है कि हाँ ये बना लेती हूँ, ये खा लेंगे। तो अभी सोची नहीं हूँ, सोच ही रही हूँ क्या बनाऊँ। तो जब बनाऊँगी तब आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, और वो दिखा भी दूँगी मैं, तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैंने इतना सोचने के बाद क्या बनाया। तो कुछ नहीं, नाश्ता भी हो गया है और कुछ नहीं, आलस भी बहुत आ रहा है। ये मौसम में ऐसा होता होगा ना सबके साथ कि कहीं जा नहीं सकते, बारिश सब बाजू है, पानी भी भर गया है, तो चलते क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने सोच लिया है कि मैं क्या बनाऊंगी, और मैंने बना भी लिया है। मैंने दाल चावल और मटन की फ्राई करूंगी और चिकन कौरमा। क्यों इतना सारा बना ली, मैंने आपसे बात किया, फिर उसके बाद फ़ोन आया कि कोई आ रहा है मेरे घर पे, तो मैंने फटाफट फिर जो भी घर में था मैंने वो बना लिया है। तो ये मैंने मटन चाप बनाई हूँ, ये रोटी, ये सैलेड, ये विनेगर, ये है राइस, और ये है चिकन, और ये है दाल। और कौन आया है मेरे घर पे, मेरे पप्पा। और ये है अशरफ, ठीक है, और ये हूँ मैं। चलिए अभी हम खाना खा लेते हैं। तो मैं अभी चाय बनाने के लिए आई किचन में, तो खाना वाना हो चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15। तो पप्पा ने और अशरफ ने बोले कि चाय बनाओ कड़क, मीठा कम और कड़क चाय, तभी वो मैं कड़क चाय बनाऊंगी, फिर हम वो पियेंगे। और वो लोग बातचीत कर रहे हैं कुछ अपने काम की, तो मैंने सोचा चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैंने अभी ये बर्तन मैंने खाने के सब धो चुकी थी, तो अभी इसे मैं अच्छे से पोंछ कर मैं इसे ऊपर स्टैंड में लगा दूँगी। ये मुझे चेंज करना है थोड़ा, इसको सोच रही हूँ मैं यहाँ कर दूँ, और देखते हैं इंशाल्लाह करेंगे तो ज़रूर बताऊँगी। और ये चाय बन रही है कड़क चाय, और ये बर्तन धो लिया है, इसको पोंछ के मैं अभी इसको स्टैंड में लगा दूँगी। और सॉरी आपको ये दिखा रही हूँ, ये बर्तन बहुत है, इसको अवॉइड करेंगे हम। तो चलिए ये करते हैं, चाय बनाते हैं। और ये लोग यहाँ पर गप शप कर रहे हैं कुछ, टीवी ऑन है बट म्यूट है। देखिए बर्तन भी धुल गए हैं और चाय भी मैंने ले लिया है और इनको दे भी दिया है। विंडो ओपन करो, जाओ पानी दे बेटा। हाँ चलो पक्को चानू से। जुनिया काम खाली उसे आते रहे ना अंकल, इंशाल्लाह चला रही नीचे। तो तुम लोग चले जाओगे ना, तुम ऊपर आ जाना। हाँ चलो चलो पापा आओ जाओ, नेक्स्ट टाइम बदाने लेने। ओके इंशाल्लाह बेटा, ध्यान रख, दुआ में याद कर बेटा, नमाज पढ़ो बेटा, ठीक है। बदाने बाय बाय बोली दो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो मैं भी आती हूँ नीचे। पप्पा चले गए, पप्पा को मैं नीचे छोड़ने आई थी, तो पप्पा चले गए और मैं आ गई फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे गार्डन है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चिल करने आई।
तो बारिश भी रुक गई, मैंने आप लोग को बोली थी बस एक दिन बारिश रुक जाए, तो बारिश रुक गई है। तो अभी अशरफ का फ़ोन आया कि चलिए तुम नीचे आ जाओ, अम्मी के घर पे जाके आते हैं, बारिश रुकी है तो मिल लेते हैं। तो चलिए अब मैं वहाँ जाती हूँ। हाँ जी, हो गया हमारा खाना, रात का खाना हो चुका है और पप्पा भी जा चुके हैं। पप्पा ने तो सरप्राइज़ दे दिया हमें, क्योंकि सुबह से आप लोग ने देखा होगा कि मैं आप लोग से बात कर रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ, आज बहुत बोर हो रहा है, बहुत बारिश है, कहीं नहीं जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर अचानक पप्पा का फ़ोन आता है मुझे कि सबा मैं आ रहा हूँ, मैं आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ। तो मैं सोची पप्पा आप आधे रास्ते तक पहुँच के फ़ोन किए, तो कोई नहीं, पप्पा बहुत टाइम बाद आ रहे हैं मेरे घर पे, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं इसलिए। तो वो आए तो फिर मैंने फटाफट मैंने दाल बनाया, दाल तो हमें सबको पसंद है, पप्पा को भी बहुत पसंद है दाल। तो मैंने दाल बनाया, मटन चाप फ्राई किया, बहुत यम था, चिकन कौरमा, आप लोग ने ये व्लॉग में देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, पप्पा से हंसी मजाक हुई, बहुत साल की बातें हुई, तो बहुत अच्छा लगा। अशरफ भी थे, आ गए थे वो, तो उसके बाद अच्छा लगा, खाए, बातचीत किए, फिर उसके बाद पप्पा चले गए, पप्पा को हम छोड़ के आए। तो आज का दिन ये था, बोरिंग डे को स्पेशल डे पप्पा ने बनाए। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिएगा, और दुआओं में हमेशा याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।